जब सभी भैयाएं आई, भैयाओं ने कहा क्या बात है बेटा, अचानक तुम्हें ऐसी पीड़ा, हमने तो कभी नहीं सुना था। उसी समय पर राम जी कहने लगे कि इस पीड़ा को केवल मेरी मैया केकई ही बंद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। याद रखना, उसी समय पर केकई को बुलाया और केकई को जब बुलाया है तो वहां सबसे कह दिया कि मैं केवल मैया केकई से मिलना चाहता हूँ। तो मैया केकई जैसे उनके कक्ष में गई है तो मैया केकई को देख करके श्री राम अपने बिस्तर से खड़े हो गए और खड़े होकर के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगे हैं कि हे मैया, तू मुझे अपना पुत्र मानती है। केकई कहने लगी कि हाँ बेटा, अभी तुम्हारे पेट में बहुत बड़ी पीड़ा हो रही थी, मैंने सुना तो मैं घबरा गई कि मेरे बालक को अचानक क्या हुआ जो कि सुबह राजा बनाया जाएगा और उसे ऐसी पीड़ा हो रही है। मैं कोई वैद्य बुला दूं, है कोई औषधि ली तुमने? राम कहने लगे, मैया इसमें ना कोई औषधि काम कर सकती है और ना ही कोई वैद्य काम कर सकता है, केवल अगर कर सकती हो तो तुम ही कुछ कर सकती हो। तो उसी समय पर केकई कहने लगी, बता बेटा, तेरे लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर है, बता तू क्या क्या करवाना चाहता है। राम ने कहा कि मैया, अगर तुमको कुछ करना है तो केवल मुझे तो देना चाहती हो, अगर अपना सच्चा पुत्र समझती हो तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दो मैया। एकदम केकई ने देखा तो केकई के पैरों तले से जमीन भी सकी कि राम, ये तुम क्या कह रहे हो? भरत ने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया है लेकिन राम, उस भरत से ज्यादा तुम मुझे प्रिय है, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय है राम। ऐसा अनिष्ट कार्य मैं नहीं कर सकती जो सारे संसार की तेरे ऊपर आशा टकी हुई है कि तुम कल राजा बनोगे। अगर वो सारा संसार ये सुनेगा, सारे नगरी के लोग सुनेंगे कि केकई ने वनवास मांगा है, तो मैं तो सारे संसार की नजरों में गिर जाऊंगी राम, मैं कैसे तुम्हारे लिए वनवास मांग सकती हूँ। राम ने कहा कि मैया, अगर तुमने वरदान नहीं मांगा और तुमने मेरे लिए वनवास नहीं मांगा तो फिर मैं कैसे इस संसार में जो कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को पूर्ण कर सकता हूं। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, आज इस प्रकार से केकई ने बार बार मना किया लेकिन राम ने उनको कहा कि तुमको जरूर ये कार्य करना पड़ेगा। आज इस प्रकार से हम यहाँ सम्मानित करके गए हैं श्री रमेश जी, कमिश्नर हैं ये, जो कहिरु गांव है वहां के रहने वाले। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कैसे महान भक्तों की मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद मैं दृष्टि बनी रहे, ऐसे ही आशीर्वाद आप लोगों का, संतों का, भक्तों का, सबका मेरे ऊपर बना रहे। Thank you.
आज इस प्रकार से आई प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोली आनंद कंद भगवान की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, काकभूषण जी बोली है कही गरुड़ जी, जब मैया से कहा कि माँ तुमको ये मांगना होगा, अगर तुमने ये नहीं मांगा तो मैं आगे जो कार्य अधूरे उनको मैं पूरा कैसे कर पाऊंगा। आज उस प्रकार से भगवान श्री राम के सामने मैया व्याकुल हो गई। और इधर में भगवान श्री राम ने ये कह दिया था, और इसी कारण केकई ने अपने राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण सबको उतार दिया। उतारने के बाद में कोप भवन में जाकर लेट गई, और जो पागल जैसी उसकी दशा थी वो इसी कारण हो गई कि एक तरफ धर्म है और एक तरफ सोच रही, अगर बेटे की ममता मुझे पानी है तो मुझे ये काम करना होगा। और याद रखना, यहाँ पर एक भाव ये भी बता दिया है कि इसकी बुद्धि तब तक साथ लगी जब तक कि जो सरस्वती ने उस मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ा था तब तक उसका स्पर्श नहीं किया था, तब तक इसकी बुद्धि संग रही, लेकिन जब उस मंत्रा का स्पर्श किया क्यों ही से ध्यान आया कि जो दो वरदान हैं वो मुझे अपने महाराज से मांगने हैं। इधर में महाराज दशरथ ने जब सुना, मंत्रा ने जाकर के कहा, तो महाराज दशरथ ने आकर के पूछा कि महारानी क्या बात है, तुम इस तरह से यहाँ लोक भवन में। उन्होंने कहा कि महाराज आपने याद होगा कि कुछ समय पहले आपने हमसे कहा था कि तुमको जब भी आवश्यकता हो ये दो वचन तुम तभी मांग लेना, तो वो समय शायद आ गया है। तो उन्होंने कहा कि हे केकई, ये तो हमारे रघुकुल की रीति है कि रघुकुल रीते सदा चलिया चलिया।
प्रीति है, आपने अभी कहा है ना कि रघुकुल रीत सदा चल जाई और पुराण जाए पर वचन ला। हमारे पुराण जा सकते हैं लेकिन हमारे वचन कभी नहीं जा सकते, क्या मांगना चाहती हो? तो उसी समय पर केकई ने देखो बड़ी चतुरता से एक जगह तो भाव आप देख चुके हैं कि राम को वनवास दिया नहीं है, राम ने वनवास मांगा है। और इधर में जो दो वचन थे उनको भी केकई को मांगना था, ये मंत्रा ने कहा और मंत्रा ने सारी चाल बताई कि ये जाते जाते ये काम नहीं करना, सबसे पहले महाराज को जाल में फंसाना, उसके बाद में वो मजबूर हो जाएंगे वचन देने के लिए। तो सबसे पहले मांगना जो राजगद्दी राम के लिए जानी है वो राजगद्दी तुम अपने बेटे भरत के लिए मांगना। और इसी समय पर केकई ने बड़ी चतुरता से कहा कि सुनो हो प्राण पते भावत लीला, जो राज में राम को देना चाहता हूँ वो भरत को दे दिया, और जो भरत को देना चाहता था वो राम को, क्योंकि मेरे लिए तो सब एक ही समान है, चारों पुत्र बराबर है। अरे वैसे मैं राम के लिए कह दिया था, अब मैं भरत को दे दूंगा। ठीक है, कहने लगे चलो ठीक है। दूसरा वचन क्या है महारानी आपका? तो केकई ने तिरछी नजर दी और तिरछी नजर करने के बाद में आज उसी समय पर कहने लगी है
I'm not afraid.
बेटों की तो